चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? हाँ डिस्कशन भी उसका कर लेंगे, अब तो हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेंटर ऑफ मास, कई जगह पर हम इसको COM लिखकर ही बात करेंगे। लिखो जरा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक बॉडी बोले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलो, दोनों चीजें सेम है अलग अलग है? सेम है। बॉडी का मतलब क्या, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हम कब करेंगे जब हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा पार्टिकल। भाई एक पार्टिकल तो कोई जरूरत ही नहीं बच्चे फिर तो। सेंटर ऑफ मास of a body or a system of particles is defined as the point which moves as if all the mass were concentrated over there, as if all the mass were concentrated over there, as if all the mass were concentrated over there and all the forces were acting at that point. So center of mass of a body or a system of particles is defined as the point which moves as if all the mass were concentrated over there and all the forces were acting at that point. पहली बात तो ये as if, यानी कि assumption है कि वहां पर की सारा मास क्या हो, concentrated हो सकता है, actually हो या नहीं उसी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या लगता है वो, which moves as if all the mass are concentrated over there, ऐसे move कर रहा है जैसे कि सारा मास वहां पर concentrated है, वो ऐसा behave कर रहा है। वास्तव में सारा मास कहां पर है, वास्तव में तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है मास सारा का सारा। मैं एक रिंग की बात करूं तो मुझे क्या दिखेगा, सारा का सारा मास कहां पर है, उसके सेंटर पर है, खत्म। अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल है, इसको मैं थ्रो कर दूं तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा नहीं होगा। चलो इसकी जगह मेरे पास एक ये है, कोई मैंने बेसबॉल का बैट लिया, मैंने किया, चलो एक पेन देना जरा, इस पेन को देखो मैंने थ्रो कर दिया, क्या पेन का हर पॉइंट पैराबोलिक पाथ पर आ रहेगा? एक पॉइंट जरूर होगा जिसका पाथ कैसा रहा होगा, पैराबोलिक। तो ये जब इस सपोज इस बैट को मैं थ्रो करता हूं तो इसका एक पॉइंट जरूर होगा जो कि कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक। हाँ ये अलग बात है कि सपोज करो मैंने यूं फेंका, थोड़ी देर बाद ये बैट जो है तुम्हारा ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद तक ये ऐसा कुछ घूम चुका होगा। अब तुम खुद देख लो हर पॉइंट का पाथ थोड़ा ना पैराबोलिक आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट जरूर है इसके ऊपर जिसका पाथ कैसा आने वाला है, पैराबोलिक। क्या है वो पॉइंट एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली क्या है, देखो अब तक हम बात करते थे एक काइनेटिक्स हमने पढ़ा था, एनालिटिकल पढ़ा था, हमने क्या बोला था एक पार्टिकल है बस, हमें एमजी लगाना है, नॉर्मल लगाना है, हमने कहां लगा दिया उस पार्टिकल, फर्क ही नहीं पड़ा कि नॉर्मल शिफ्ट होता है नहीं होता। अभी रोटेशन में पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेंगे एग्जांपल की नॉर्मल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, बट हमने तो क्या करा पार्टिकल माना था उस पे लगा। अच्छा अब क्या होगा, अब मैं बॉडीज की बात करना शुरू करूंगा, लेकिन बॉडी में तक मैं किस पॉइंट के बारे में बात करूंगा, किस पॉइंट के बारे में, एक सेंटर ऑफ मास के बारे में। मैं क्या करूंगा पूरी बॉडी की जगह मैं एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा और ये मानूंगा एज इफ सारा मास वहां पर है एंड एज इफ सारा का सारा फोर्स कहां लग रहा है, उसी पॉइंट पर लग रहा है। तो बात तो मैं भी किसकी करने वाला हूं, सिर्फ एक पॉइंट की, पर वो पॉइंट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। एक एग्जांपल और बताऊं तुम्हें, सपोज करो बैले डांसिंग होती है, बैले डांसिंग एक वो होती है डांस की आर्ट होती है, बेसिकली उसमें फंडा ये होता है
उसका एक स्टेप होता है जिसमें कि जो भी डांसर होगा वो एक जंप लेता है, जो वो जंप लेता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हवा में स्ट्रेट चल रहा है। सोच के देखो, एक बार एक बॉडी अगर एयर में आ गई, उसका पाथ कैसा होना चाहिए? पैराबोले, उस बॉडी का पाथ होना चाहिए, उसके सेंटर ऑफ मास का पाथ होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। पता होता क्या, एक्चुअली ये जब डांसर्स जंप करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने हाथों को ऊपर नीचे मूव करते हैं। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का पाथ तो अभी भी कैसा आ रहा है? पैराबोले। गेटिंग इट? सेंटर ऑफ मास का पाथ तो अभी भी कैसा आ रहा है? पैराबोले के आ रहा है, पर वो कर क्या रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर नीचे करने की वजह से अपने सेंटर ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी किसमें चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। इन सारे कंसेप्ट का यूज एक लॉन्ग जंपर भी करता है। कोई लॉन्ग जंपर है वो अपने हाथों में दिखाओ तो यूज करता है, वो टेक्निकली चीजें सीख रहा है। गेटिंग इट? वो चीज सीख रहा है टेक्निकली, मतलब वो तो जब फील्ड में भाग रहा है तो एक्सपीरियंस से सीख रहा है कि हाँ यार, मैं अगर हाथ ऊपर ले जाता तो मेरी रेंज बढ़ जाती है, एंड सो ऑन। एक फिजिक्स वाला इसको इस तरह समझाता है कि एक एक्रोबैट है या कोई डांसर है या कोई एक लॉन्ग जंपर है, वो एक्चुअली जब अपने हाथों का मूवमेंट ऊपर नीचे करता है तो किसको शिफ्ट कर लेता है, वो सेंटर ऑफ मास को। एक और पता, बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो, देखिए बार जंपिंग होती है एक चीज, एक ऊपर की तरफ बार लगी हुई होती है, एक रनर आता है उसको क्या करके आता है, जंप करके जाता है। तुमने देखा हो तो जब वो जंप करता है उसकी बॉडी क्या होती है, बेंड होती है। एक्चुअली बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, नीचे रॉड के। सोच के देखो, उसको अगर सेंटर ऑफ मास को ऊपर रखना होता वो बेंड हुआ, वो बेंड होती सेंटर, क्या सेंटर ऑफ मास का, जहां पर सेंटर ऑफ मास हो वहां पर मास होना जरूरी है क्या? नहीं। एक रिंग ले लो, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर पर, कहां से आएगा जहां मास होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक्चुअली जब इसने अपनी बॉडी कर्व करी, उसका सेंटर ऑफ मास पता है कहां है, उस बॉडी के बाहर है। अभी मेरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां कहीं होगा। मैं अगर यूं बेंड हो जाऊं तो सेंटर ऑफ मास कहां आने वाला है, इधर किसी पॉइंट पर आने वाला है। पता है फायदा क्या है, जब वो इसको नीचे रखेगा उसको जितना इसको ऊपर ले जाना है उतनी उसे क्या लगानी पड़ती, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती। तो एक्चुअली अपनी बॉडी पता है लॉजिकली बेंड कर रहे हैं, क्योंकि बेंडिंग पर उसने वो चीज कैसे सीखी, एक्सपीरियंस से। एक फिजिसिस्ट अगर एनालिसिस करता है, वो अगर अपने सेंटर मास को यहां तक ले आ सकता है ना, तो पता है क्या करता, वो बोलता बार को और ऊपर कर दो, भाई ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कब बनेगा, जितनी ऊंचाई से वो जंप कर सके। तो वो तो बोलता कि बार को और ऊपर कर दो, ठीक है मैं सेंटर मास को, यानी कि वो क्या करता और ज्यादा ऊपर तक चल जाता। बट वो जो अपनी बॉडी बेंड कर रहा है, वो कोर्स बॉडी बेंड करने से क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को बॉडी के बाहर रख रहा है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, वो सेंटर ऑफ मास तो कहाँ रह गया, इस रॉड के नीचे रह गया, या बिल्कुल इसके लेवल तक आ गया बस, खत्म। यही तो वो चाहता है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास और ऊपर करना पड़ता, वो जो एनर्जी यूज कर रहा है वो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पोटेंशियल में। यही तो कर रहा है और क्या कर रहा है, ऊपर जाके जब उसकी बॉडी टर्न ले रही है तो उस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। यही तो है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कहां से रहा है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए, तो भी उसकी भी तो कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकता है, वो भागता जा रहा है, तेज स्पीड बढ़ाता जा रहा है, टेक्निक है, स्पीड है, सारी चीजें हैं। एक्चुअली जो वो जंप कर रहा है वो चाहता है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा क्या रह जाए, नीचे रह जाए। अगेन सेंटर ऑफ मास, अब जैसे एक्चुअली पता है वो आदमी जैसे रॉड को छोड़ के जंप करता है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे पास में चल रहा होता है, पैराबोलिक पाथ। सारा मास वास्तव में वहां होता नहीं है, बट दिस पॉइंट बिहेव्स एज इफ सारा का सारा मास, एज इफ लिखा इसीलिए हमने, एज इफ जैसे कि सारा मास वहां पर हो, हमने ये लिखा कि सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास इज देयर, एज इफ होल ऑफ द मास इज देयर, जैसे कि ऐसा लगे हमें कि सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर है। ये तो पहली चीज है सेंटर ऑफ मास के बाद, चलो ये सब चीजें कुछ नोट करनी है, एग्जाम्पल तो खास बात नहीं है। बट तुम इस बेसबॉल बैट को फेंकोगे, कुछ भी फेंकोगे, सेंटर ऑफ मास का पाथ तो कैसा आने वाला है, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। पढ़ा दूं ये सब, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। चलो एक छोटी चीज से समझना शुरू करते हैं। सपोज करो कि ये कोई पॉइंट M है, ये एक और मास M है, इनके बीच का डिस्टेंस है d, कहाँ आएगा इनका सेंटर ऑफ मास, d बाय 2 पर। कॉमन डिस्टेंस नहीं है, कहाँ पर आ जाएगा वो, d बाय 2 पर आ जाएगा। ठीक है, भी एक बात बताओ, वहां पर वास्तव में कोई मास है क्या, वो तो उन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ रहा है, उस d बाय 2 पर आ रहा है। अच्छा,
सपोज करो मेरे पास एक मास m होता और एक मास 2m होता, अब वो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, किसके पास आना चाहिए था, 2m के पास। क्या हम निकाल सकते हैं एक्चुअली कहाँ होगा वो, एक पॉइंट लिख लो जरा, सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। बहुत काम का पॉइंट है ये वाला, बहुत ही ज्यादा काम, क्वेश्चंस इतने फास्ट हो जाएंगे इसके, इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस इसको यूज करने से क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। कहां पर आने वाला है ये वाला पॉइंट, डी बाई थ्री एंड टू डी बाई थ्री, तो डी बाई थ्री कहां से, यहां से। क्या मान लेंगे भाई, हमें पता पड़ गया मासेस क्या है, टू एम एंड एम, तो क्या रेशियो आ गया, टू इज टू वन। किसको डिवाइड कर रहे हैं टू इज टू वन में, डी को, तो एक पार्ट को एक्स माना, दूसरा कितना बन गया टू एक्स बराबर कितना डी, तो एक्स बराबर कितना डी बाय थ्री। तो यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, तो यहां से कितना डिस्टेंस डी बाय थ्री, यहां से कितना टू डी बाय थ्री। ये स्पेशल ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास किसके लिए, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम विल डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, बहुत स्ट्रॉन्गली काम आने वाला है जैसे जैसे। और यहां से ये भी पता लग जाता है फट से कि वो कहां पर आने वाला है, उसकी लोकेशन में आती है फट से। अब दो आंसर है डी बाय थ्री टू डी बाय थ्री, तो डी बाय थ्री कहां से होगा, बड़े वाले अंडरस्टूड, सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा पास होगा, जो बॉडी क्या है ज्यादा हैवी होगी। अब ये तो स्पेशली दो दो पार्टिकल थे, अच्छा हम इस समय पर बात कर रहे हैं जो भी निकाल रहे हैं फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। एक रॉड की बात करेंगे तो वहां पार्टिकल्स कैसे होते, डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कैसे होते हैं पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, एक्चुअली क्या है ये सेम लॉजिक, सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये कोई पॉइंट m1, इसको मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया x1 कॉमा 0, ये कोई पॉइंट m2, इसको मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया x2 कॉमा 0, सेम लॉजिक लगा दो डिवाइड इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, कि तुम्हें क्या निकालना है उस पॉइंट कोऑर्डिनेट जो कि क्या करता है एक लाइन को किस रेशियो में बांटता है, m1 is to m2 में, निकाल लो कोऑर्डिनेट्स। तो मैथ्स का फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो, क्या आता है फॉर्मूला एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन एक्सीएम, क्या आता है हमारे पास एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अच्छा मान लो तीन पार्टिकल होते तो क्या करते, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इसके साथ में किसका निकाल लो उस तीसरे वाले का, एंड सो ऑन। तो जनरल फॉर्मूला क्या मिलने वाला है हमें, अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हो जाएं, इफ आई एम हैविंग n पार्टिकल्स रेंडमली किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर, m1 विद कोऑर्डिनेट्स व्हाट x1 कॉमा y1, m2 विद कोऑर्डिनेट्स m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या x2 कॉमा y2 एंड सो ऑन m3 m4। हाँ भाई xm कितना लिख दोगे इनका, कितना xm m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 n3 अप टू mn xn अपॉन अपॉन क्या समीशन एम आई, आई कहां से कहां तक वन टू एन, तो ये ओवरऑल चीज क्या लिख सकते हो तुम, समीशन एम आई एक्स आई अपॉन समीशन एम आई, आई की वैल्यू कहां से कहां तक, आई इज फ्रॉम वन टू एन, ये एक्सीएम आया, वाई सी एम क्या जाएगा, वाई सी एम क्या बन गया एम वन वाई वन प्लस एंड सो ऑन अपॉन
m1 plus m2 and so on, that is equals to summation mi by I upon summation mi. हालांकि इसका कोई प्रूफ हमसे फॉर्मूले का भी पूछता नहीं है, जरूरत भी नहीं है कोई, सीधे स्टैंडर्ड बहुत इजी फॉर्म है यार. क्या xm बराबर m1 x1 plus m2 x2 and so on. इसका ये वाला एक और फॉर्म सोन में आना चाहिए. सपोज करो वो इसकी जगह पर हमें यूं लिख के दे दे, पार्टिकल m1 विद पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पार्टिकल m2 विद पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, पार्टिकल m3 विद पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर एंड सो ऑन. rcm वेक्टर क्या लिखोगे? व्हाट विल बी rcm वेक्टर? m1 r1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस. बात तो ये की है, x में अलग निकाला, y में अलग निकाला, क्या लिख दिया हमने? xcm i cap प्लस ycm j cap, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इक्वल्स टू व्हाट? समीशन mi ri वेक्टर अपॉन समीशन mi. इस पर सवाल कराने हैं क्या? करना चाहोगे क्या? नहीं ना. हाँ, इतना तो मैं जब होमवर्क दूंगा तो उसी में 3-4 सवाल स्टार्टिंग के ऐसे ही मिलने वाले हैं. तो इस पर क्या सवाल देखोगे? बस कर. अच्छा मान लो जेड कोऑर्डिनेट और होता, R1 वेक्टर लिखिए ना, अपने आप ही कहा था उसमें जेड के कैप और आ जाता. बात तो ये कि तुम सारे आई एक्स वाई जेड अलग अलग कर दो या फिर सीधे सीधे क्या कर दो? R वेक्टर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों चीजें इक्वली गुड है. और चाहो तो इस वाले ये जो फॉर्मूला निकाला इससे चाहो तो इसको वेरीफाई कर लेना. सेंटर ऑफ मास व्हाट डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस. बहुत काम की चीज है ये वाला पॉइंट. अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप तुम्हें आइडिया लगेगा जब सवाल आने लगेंगे हमारे पास. चलो एक एग्जांपल देख लो, कोई नहीं एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थ्री मासेस मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड देयर एक्ससीएम. द थ्री मासेस एक्ससीएम एंड वाईसीएम. द थ्री मासेस मेक्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. तीसरे वाले के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं है, शायद तुम्हें अपने आप ही पता पड़ जाएंगे कितने हैं. Three masses form an equilateral triangle as shown. Find the coordinates of center of mass. a by 2, ऐसे कौन कर रहे हैं? xcm के लिए इसका x निकाला क्या किसी ने? यही कर रहे हो? इसे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो क्या? कहेंगे इसे कोऑर्डिनेट a by 2, √3 a by 2. a sin 60 आएगा ना ये वाली लेंथ, सही में निकाल रहे हो इसे कोऑर्डिनेट. क्या जरूरत है यार? एक बात बताओ, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? जहां इसका क्या है? सेंट्रोइड. खत्म. नहीं आएगा क्या? एक पॉइंट लिख लो जरा. इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? सारे मासेस क्या हैं? सेम. इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म देन ज्योमेट्रिक सेंटर कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास.
सिमेट्रिक, सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास दोनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म, देन ज्योमेट्रिक सेंटर कॉइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या निकाल दूं यहां पर सीधे सीधे? भाई करने को तो यो भी कर सकते हो, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे a by 2 comma root 3 a by 2, आ रहे यही ये आ रहे हैं। तो एक तरीका तो है कि मैं क्या करूं, x1 plus x, अच्छा अब एक और चीज देखो, अपने आप ये देखो एक्सीएम क्या लिखोगे, m1 x1 plus m2, सारे m कॉमन, नीचे कितना आएगा 3m, क्या बचा x1 plus x2 plus x3 upon 3, किसका फॉर्मूला होता है ये, सेंट्रोइड। क्या मैं सीधे सेंट्रोइड नहीं निकाल सकता बेटा? सेंट्रोइड एक तो सिमेट्री बता रही है, सेंटर ऑफ मास कहां आने वाला है, इस लाइन पर, कोई प्रॉब्लम? पहली चीज, सेंटर ऑफ मास का सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है यहां से, ये डिस्टेंस तो आता होगा यार, कैसे निकालते हैं, ये लेंथ कितनी, रूट थ्री ए बाय टू। एक्चुअली मैक्सिमम सवाल जो कॉम्प्लेक्स बच्चों को लगते हैं वो ट्रायंगल बेस करते हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भूल चुके होते हैं या बस वहां पे गलतियां करके आ जाते हैं। देख लो ना यार, तुम रूट थ्री ए बाई फोर कैसे कैसे आंसर दे रहे हो यार, आसान सवाल है भाई। ये लेंथ कितनी, रूट थ्री ए बाई टू, किस रेशियो में डिवाइड करना है, टू इज टू वन में, सेंटर किस में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ टू इज टू वन, क्या आएगा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस ये आता है हमारे पास ए बाय टू रूट थ्री। अच्छा ट्रायंगल की साइड ए है, कैसे पता लगा, यहां से पता लग गया ना, बस खत्म। क्या आंसर आ जाएगा, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड बोल दो या सी बोल दो, जी सेम है सी, क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ए बाय टू कॉमा ए बाय टू रूट थ्री। क्यों इतनी मेहनत करनी है x1 x2 वाली यार, कॉमन, ये हमेशा रखो, सेंटर ऑफ मास के अंदर सिमेट्री क्या है, बहुत ही काम की चीज है, जहां सिमेट्री नजर आई वहीं सवाल आसान आते। चलो ये लोग एक और क्वेश्चन कराता हूं, ये मासेस आर बीइंग प्लेस्ड ऑन अ स्क्वायर, लिख लो जरा, एक स्क्वायर पर रखे हुए हैं मासेस, साइड दे दी तुम्हें ए कॉमा ए साइड दे दी, स्क्वायर है ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे मासेस सेम होते सेंटर मास कहाँ आ जाता, ए बाय टू कॉमा ए बाय टू, अंडरस्टूड है भाई, खत्म। पर चलो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, एम टू एम थ्री एम 4m, चलो बताओ कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब यहां पर मैं किसका निकाल रहा हूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, कंबाइंड बॉडी नहीं है क्या है हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। लाइंग ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, आप उनको ज्वाइन तो कर रहे हो फ्रंट रो, तो ध्यान रखना वो जॉइनिंग सिर्फ जॉइन करें अपने लाइंस, तो सब क्या और क्या, ये वाला एम का कोऑर्डिनेट कितना, जीरो कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट कितना, ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए कॉमा ए, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ए, एक्सीएम लगा तो क्या आएगा, एक्सीएम लिखेंगे हम, एक्सीएम विल बी व्हाट, एम इंटू जीरो प्लस टू एम इंटू ए प्लस थ्री एम इंटू ए, डिस्टर्ब ज्यादा करेंगे लाइटिंग, प्लस फोर एम इंटू कितना जीरो अपॉन टोटल मास कितना है टेन एम, क्या आ रहा है देखने आ रहा है यहां से टू एम फाइव एम ए बाय टू, क्या ए बाय टू डायरेक्ट नहीं दिख रहा था मुझे, क्यों यहां पे भी कितना मास फाइव एम, यहां भी कितना, तो ए बाय टू तो मुझे वैसे ही दिख रहा था, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हारे लिए, ये बात तो पक्की है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, इस लाइन पर आने वाला था, दिख तो रहे ये वाला मास दोनों जोड़ के कितना 5m, ये मास जोड़ के कितना 5m, तो दोनों के लिए एक्सीएम तो कहाँ आने वाला है, बिल्कुल मिडिल में आने वाला है, तो ये तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा वाईसीएम की वैल्यू जो भी आएगी, चलो भी आई नहीं हमारे पास आंसर, वो नीचे की तरफ होगा ए बाय टू के, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर वाला मास कितना हो गया 7m, नीचे वाला कितना 3m, तो अच्छा वाईसीएम की बात करोगे अगर, तो एक तरीका तो ये फिर से ऐसे कर दो, वरना लॉजिक, ऊपर की तरफ मास कितना 7m, नीचे कितना 3m, सेंटर ऑफ मास विल डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस 7:3,
7x plus 3x बराबर 10, x बराबर कितना आ गया वो a by 10, टोटल कितना है a, तो a by 10 तो ऊपर की तरफ ये कितना जाएगा नीचे से कितना दूर 7 a by 10, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए a by 2, 7 a by 10। ये फायदा है रेशियो वाली चीज का, बहुत शानदार काम करता है वो, बस तो यूज ढंग से करना आता हो। कहाँ करनी पड़ी कैलकुलेशन, किसी को करनी है तो कर लो अभी भी वैसे ही हम लिख के, हमें तो लॉजिकली वैसे ही देख लिया भाई। इन दोनों का क्या हो गया बताऊं, ऐसे कर ले बेटा कोई बात नहीं भाई, ऐसे होना है कोई एक ट्रिक सिखाई तो वो बार बार उसको भी डाउट बना के पूछते रहोगे। अरे यार ये दिख नहीं रहा तेरे को, जो भी एक्सीएम तो क्लियर हो गया, वही सीएम कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, तो उसके ऊपर की तरफ कितना मास है 7 है, नीचे कितना है खत्म भाई। मैं इतना तो मान ही सकता हूँ ऐसे, इन ये यहाँ पर आ गया 7 है, यहाँ पर क्या आ गया 3 है, तो हम कर देंगे इसको तो सॉल्व, लेट्स से इसी आंसर आ गया। हाँ भाई क्लियर है, और चाहो तो वही सीएम सीधे से निकाल लो, ये अपने फॉर्मूले से m into 0 प्लस कितना 2m into क्या चीज, हाँ 0 प्लस 3m into a प्लस 4m into a अपॉन 10m, लो तब भी आ गया। स्पीड जरूरी है एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी भाई पहले एक्यूरेसी, स्पीड सेकेंडरी, जिसको वो बात नहीं नहीं आता रेशो से ऐसे कर रहा हूँ क्या दिक्कत है, बट ऐसे निकाल के ट्राई कर भाई, ये तो प्रैक्टिस आने वाली चीज़ है रेशो वाली की, हमें फटाफट से रेशो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लॉजिकली तो आ ही रहा है आंसर। और जब जब करो प्रैक्टिस तभी होती है, तब एक तो नॉर्मल तरीके से आंसर आ गया अभी ठीक है, फास्ट तरीके को अप्लाई करके देख लो कि हाँ रेशो वाली चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि वो टू मासेस के लिए था, बट सोच के देखो ना यार, ऊपर की तरफ 7m हो गया, नीचे की तरफ क्या हो गया 3m हो गया, अपने आप क्या कर देगा उसको, उसी रेशो में डिवाइड करने वाला है खत्म। एक्सीएम तो मुझे दी, एक्सीएम को सीधे पता लग गया इधर 5m इधर 5m, कहाँ आने वाला है वो मिडिल में, तो आएगा अपने आप ही ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं। अच्छा कभी कोई उसमें क्या करता है ये ऐसे सवालों में, एक चीज़ और करेगा, मान लो मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया कुछ ए बी सी डी, क्वेश्चन लिखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द शोन सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द शोन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू 3m मास, विद रिस्पेक्ट टू 3m मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द शोन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू 3m मास, क्या मतलब हुआ भाई इसका, इसका क्या मतलब हुआ एक्चुअली, ओरिजिन कहां पे ले लें एक तरह से 3m पर, बस कर ओरिजिन कहां मान लेंगे हम 3m पर मान लेंगे, तो ये तो मतलब हुआ इस चीज का, सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में 3m के रिस्पेक्ट, यानी कि जहां पर 3m है उसके रिस्पेक्ट से कितना सेंटर ऑफ मास आने वाला है, तो वैसे ही देख लो क्या आएगा आंसर, क्या जाएगा आंसर, इसी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे माइनस ए बाय टू कॉमा ए माइनस कितना 7 ए बाई 10, यहां से कितना नीचे आएगा ये वाला पॉइंट माइनस का 3 ए बाई 10, क्या आंसर माइनस ए बाई 2 माइनस 3 ए बाई 10, क्या हो गया सर, थोड़ी सी मैथ्स आती है, मतलब क्या हो गया, अरे ओरिजिन कहां मान ले, मान लेगा ओरिजिन, तो बेटा ओरिजिन यहां मान लिया, कितना लेफ्ट दिख रहा है वहां से और कितना नीचे दिख रहा है यहां से, और ये लेंथ कितनी है ए, ए में से हटा दे 7 ए बाई 10, तो कितना नीचे हो गया, ये ए होगा ना, अगर यहां ओरिजिन हुआ ये लेंथ तो ए होगी, ये हमने कहां से निकाला है, इस लाइन के ऊपर निकाला है, तो यहां से कितना डिस्टेंस बचा 3 ए बाई 10, दोतना क्या कर दे माइनस कर, एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ बस, ऐसे सवाल में थोड़ा अटक गया वहां जाकर कोई, अब कि सर उन्होंने तो ओरिजिन ही चेंज कर दिया, अरे यहाँ एक कर तो भाई यहाँ ओरिजिन मान लो, अच्छा यहाँ ओरिजिन होता तो इनके कोऑर्डिनेट क्या आते माइनस ए कॉमा जीरो, ये क्या होता माइनस ए कॉमा माइनस ए, ये क्या होता जीरो कॉमा माइनस ए, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, बोलो
डिस्टेंस थोड़ा पूछा है भाई, अब तू ऐसी हरकतें अभी करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया तुम्हारे मैथ्स में, वाह क्या बात कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन तो होगी, हो गई यार स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, मतलब होगी नहीं तब तक तो इतना करेंगे ही नहीं है। ठीक है भाई, अगेन भाई वही वाली बात है, एक स्पीड वाला मेथड था, दूसरा क्या है एक्यूरेसी वाला, तो जो ज्यादा सही लगे उसको कर दो, बाकी तो भाई अगर ये निकाल चुके तो फिर बचा ही क्या। और ऑब्वियसली बात है अगर 3M का स्टूडेंट पूछ रहा है तो पहले ओरिजिन कहां मान लोगे, 3M पे मान लो, बस क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के सवाल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, डिस्टेंस पूछ ले यहां से 3M से डिस्टेंस निकाल लोगे ना, क्या आएगा डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 3M ए 10 का होल स्क्वायर एंड। ठीक है, डिस्क्रीट मासेस में और कुछ देखना है क्या, आसान है इसमें क्या, कहीं भी रख दो आप, क्या है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया तुम तो क्या करो, हर पॉइंट के क्या निकाल दो कोऑर्डिनेट, कोई सिमेट्री विमेट्री कुछ नहीं दिखते, मत देखो ना हमें तो सीधे सीधे क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकाल दो सॉल्व, पर आंसर को सॉल्व करना और एक्यूरेट आंसर देना ज्यादा जरूरी है अदर देन स्पीड। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, या तो डिस्क्रीट बॉडीज थी, डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, बॉडीज लिख सकते हो या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, हटा दो सब तो चलो कोई नहीं, लिखे भी रहने दो क्या फर्क, फर्क क्या पड़ता है आपकी बार, एक्सएम का लिख देते हम समीशन एम आई एक्स आई, अब एक्सएम क्या लिख देंगे हम, समीशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों का सम करना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस समीशन, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, एक ही तो बात है, ycm क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dmy अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, पहली चीज एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रही जाएगा, खास बात नहीं, टोटल क्या लिख रहे हैं mi xi अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, dm को डिफाइन करना, इतना तो हमें आता है एक्सएम कंटिन्यूस बॉडीज के आती है, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब चीज आती है कि हम डीएम को डिफाइन करते करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, चलो यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड मास एम लेंथ एल, यूनिफॉर्म रॉड से मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूनिफॉर्म। मुझे कोई बोलता है कि भाई एक 10 केजी की रॉड है, टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो लैम्डा कितना हो गया उसका 10 केजी बाय 5 मीटर 2 केजी पर मीटर, वो लैम्डा क्या है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रॉड, कैसा हो सकता है कि रॉड का आगे वाला पार्ट हल्का हो पीछे वाला पार्ट भारी हो, ऐसा हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म में तो बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या रॉड में, क्यों नहीं होता, दो अलग अलग मटेरियल की रॉड बना दो यार, क्या दिक्कत है, आगे वाला पार्ट कॉपर का हो गया, पीछे वाला पार्ट लेड का हो गया, तो लेड वाला पार्ट क्या होने वाला है, भारी होने वाला है कॉपर से, ठीक है, नहीं तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और बाकी तो ठीक है मैथमेटिकली सवाल करते हैं वो हमारे सामने आते जाएंगे अपने आप ही, पर पहली चीज हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड दे दिए हमें। अच्छा एक बात और याद रखो, जब भी तुम्हें रॉड देता है और सिर्फ लेंथ दे रहा है, इसका मतलब रॉड को कैसा फिगर मानोगे, 1D 2D या 3D, 1D मान लो बस, कर वो तुम्हें बाकी और कोई डायमेंशन मेंशन करके नहीं दे रहा, तो अपने आप इसको क्या मान लो एक 1D मान लो, और चलो बाकी डायमेंशन दे भी दे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, बात तो एक ही है। अच्छा आंसर क्या आने वाला है इसका, L by 2, मान लो उसने उसकी ब्रेथ दे दी, तो ब्रेथ में कितना आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, V by 2, ये तो फर्क पड़ने वाला है। चलो क्या करा हमने, उसने बोला कि इस रॉड का क्या निकालना है मुझको, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, तो यूं रख दूंगा तो ICM बन जाएगा, यूं रख दिया तो क्या बन गया XCM बन गया, अब ये तो कॉमन साइंस है, अभी क्या बढ़ रहा है। चलो इस पॉइंट से निकाल देते हैं सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो क्या करें इस पॉइंट को, सपोज मैंने ओरिजिन मान लिया 0,0, कैसे करेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ DM करना है मुझे, क्या लू DM क्या लू, छोटे से लेंथ, क्यों ले रहा हूं मैं लेंथ, क्योंकि रॉड पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, बहुत सारी dx dx जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक रॉड मिल जाएगी, तो मैंने क्या माना यहां से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल माना, मास कितना
dm x पर एक पार्टिकल ऑफ थिकनेस dx हैविंग अ मास dm, तो dm एक्चुअली क्या लिखा जाएगा, dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx एंड लैम्डा विल बी व्हाट, m / l। तो I लगा देते हैं, हमारे पास xcm बराबर क्या है भाई, xcm बराबर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अच्छा भाई इंटीग्रेशन ऑफ dm तो क्या बन गया, m, और इंटीग्रेशन dm सारे मास टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल मास कैपिटल m, और इंटीग्रेशन dmx क्या आ गया भाई, लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू कितनी है m / l * dx, यहां पे डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ m / l dx x, कहां से कहां x की लिमिट 0 से l, क्या आंसर आ गया, mm कैंसिल, x स्क्वायर / 2, क्या आंसर आ गया l / 2, एक्सपेक्टेड था भाई ये तो, क्या है अब एग्जांपल लिया, सपोज मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म रॉड ले ली एक, सच दैट लैम्डा इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज पॉजिटिव, और ये डायग्राम बना के दे दिया तो है मैंने, ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ये ओरिजिन मान लिया इसको, हाँ क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए इसका, मतलब जो पहले L by 2 पर कैसी रॉड थी वो, ये कैसी रॉड है, और लैम्डा क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे रॉड के अलांग जा रहा हूं बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है होगा कोई तरीका, कुछ होगा इस तरह का मटेरियल, हमें उससे मतलब नहीं है, यहां से जाते जाते लैम्डा क्या, लैम्डा को बोलते क्या हम, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा को हम बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना आगे आगे काम आता है, लीनियर मास डेंसिटी, क्या यूनिट होगी लैम्डा की, एम एल माइनस वन, के की यूनिट क्या, कोई मुझे के डायमेंशन बताएगा, के डायमेंशन दे बोलो, एम एल माइनस टू, थर्टी हिंदी में होते हुए ऐसी बातें करते हो फिर शर्म भी नहीं आती, हाँ कहाँ ना चाहिए सेंटर मास, एल बाई टू के लेफ्ट में राइट में, अच्छा निकाल दो फटाफट से निकालो क्या आ रहा है सेंटर मास, तो यार अब तो फॉर्मूला आता है तुम्हें बस अप्लाई करना है और क्या है, सेंटर ऑफ मास की टेक्निकल इंपॉर्टेंस एक अलग चीज है और निकालना एक अलग चीज है, निकालना तो बहुत ही आसान काम है और ये आता है तो भी मान के चलो कि 50% सेंटर ऑफ मास आता है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है या दो ही पार्ट्स आते हैं बस, जो इसके बाद का पार्ट जो कि हम अगले 5-6-7 लेक्चर तक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बल्कि है, समझने में भी थोड़ा वो है, सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत ही आसान है, और मैंने वही बोला है आसान सवाल छोड़ा पेपर में तो फंस जाओगे, आगे के पार्ट्स में तकलीफें आएंगी, सवाल करोगे सर होते नहीं है होते नहीं है, पर इस कॉम्पिटेंस का जरूर जाना कि सेंटर ऑफ मास निकालना तो आता है भाई, निकाल तो लो, निकल तो लेंगे हम, क्या हो गया कैसे करेगा, हाँ लेंथ एल है और क्या, लेंथ चाहिए बिल्कुल, लेंथ एल मान लेते हैं रॉड की, मास नहीं चाहिए लेंथ चाहिए बस, 2/3l, क्या कैसे कर रहा है, लगा दो सीधे इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, चलो dm क्या लिखूं अब, dm बराबर कितना लैम्डा dx और लैम्डा कितना kx dx, सारी वैल्यू डाल दो यहां पर, टोटल मास मुझे नहीं पता था आपकी बात, कैसे पता होगा, पता ही नहीं था टोटल मास, अब यहां पे डाल के निकाल लूंगा अपने आप ही dm की वैल्यू भी, तो यहां डाल लेते हैं चीजें हम एज इट इज, क्या फिर से मान तो वही रहे हम, क्या माना x डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल dx विड्थ dx, तो इस पोर्शन का मास कितना आएगा लैम्डा * dx ही तो आएगा भाई, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर डेंसिटी कितनी है लैम्डा, ये समझ में आता है ना, जैसे fx dx करते हैं dw बराबर fx को लगा देते हैं भाई, क्योंकि हम ये मानते हैं कि x डिस्टेंस पर फोर्स उस dx के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वैसे ही यहां पर इस dx वाले में लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा,
तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जगह आ गया के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे क्या आ गया के एक्स डी एक्स, लिमिट लगा दो एल जीरो टू एल एंड जीरो टू एल, के अपने आप ही क्या हो गया कैंसिल, ऊपर से इंटीग्रेशन कितना आ रहा है एल क्यूब बाय थ्री, नीचे से कितना एल स्क्वायर बाय टू, क्या आंसर टू एल बाय थ्री, और ये तो हम पहले वेरीफाई कर चुके थे कि आंसर कहाँ आना चाहिए एल बाय टू के उस तरफ। अब पूछ लो कुछ भी, ए प्लस बी एक्स लिख दे, लैम्डा एंड सो ऑन कुछ भी कर ले, क्या है। बट ये चीज अगर यहां समझ में नहीं आई कि एलिमेंट क्या लिया है कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आगे तो भूल जाओ। हाँ पहले बता दो ये चीज क्लियर है कि नहीं है, आप उसमें शाम वाले भी अटेंड करते हो गए क्लासेस में। कोई एक अच्छा वर्क पावर में कोई और फसल आप आते हो। हाँ भाई क्लियर है, आता कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया आ गई। चलो और देखो, अब देखो तुमसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, क्या रख दिया, अब चार रॉड्स रख दिए एक्चुअली। सपोज मैं कहता सबका मास m, सबकी लेंथ l, सेंटर मास कहां था सिस्टम का, सेंटर पे आता कितना l / 2 कॉमा l / 2, पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसका मास m है लेंथ l है, इसका मास 2m है लेंथ l है, इसका मास 3m है लेंथ l है, इसका मास 4m है लेंथ l है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। चारों रॉड्स यूनिफॉर्म है, ऑल द रॉड्स आर यूनिफॉर्म, ऑल रॉड्स आर यूनिफॉर्म। यानी कि हर रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास तो कहां है, खुद रॉड का कहां है उसके सेंटर पर। चलो निकालो कैसे निकालोगे, क्या निकाल दो सेंटर ऑफ मासेस, बिल्कुल ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे l / 2 कॉमा 0, इसका यहां आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा l कॉमा l / 2, बिल्कुल इसका यहां आया, क्या आया l / 2 कॉमा l, इसका यहां क्या आएगा 0 कॉमा l / 2। आगे चीज समझ में कि वो कैसे इस्तेमाल करेगा। अब अपने आप में हर रॉड को क्या मान लो, एक पार्टिकल जिसका की मास का है उसके सेंटर ऑफ मास है। जल्दी बोलो आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बोलो। तो तुम तो ऐसे क्या मान सकते हो इस सवाल को करते हुए, तुम तो सीधे सीधे मान सकते हो जैसे कि ये वाला मास m, ये m मास यहां रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है 2m मास रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है 3m मास रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है 4m मास रखा हुआ है, खत्म। मान सकते हो ना, बोला आंसर लो फटाफट, कितना xm 2l / 5 और YCM 3L / 5, बिल्कुल सही है। आ रहा है कैसे निकाला XCM, जल्दी बोलो XCM में लिखा है क्या, लिखूंगा M into L / 2 पीछे, हाँ प्लस फटाफट फटाफट बोल 2M into L प्लस 3m इंटू l / 2, बिल्कुल
प्लस इनटू टोटल मास 10 m, खत्म। ठीक है भाई, पक्का? क्या हुआ? ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, टेक्निकली मतलब लॉजिकली हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक दो तरीकों से। ये देखो क्या आंसर आ रहा है, एक्स एम आ रहा है 2l/5। अच्छा मान लो मेरे पास ये एक लाइन होती l/2 पर, ये लाइन है l/2 पर, और ये लाइन भी कितने पर है, l/2 पर। एक्स में देखें जरा, तो एक्स में किधर की तरफ आना चाहिए सेंटर, इस लाइन के लेफ्ट में आना चाहिए राइट में आना चाहिए, लेफ्ट में। देख लो कहां आ रहा है, 2l/5 पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा वाई में कहां की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे क्या है, m है। तो कहां पर आ रहा है वाई में, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है भाई, एक सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, बाकी तो ठीक है, सीधे आंसर आ रहे हैं xcm, और क्या आ रहा है हमारे पास ycm, डेट से क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहां आएगा हमारे पास, एक्चुअली कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास 2l/5 और 3l/5, यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास l/2 से लेफ्ट में, क्योंकि l/2 कितना बनता है हमारे पास, l/2 होगा 0.5l, 2l/5 कितना हुआ 0.4l, और 3l/5 कितना हुआ 0.6l, तो वो l/2 से कम है। और ये सेंटर ऑफ मास में सिमेट्री बहुत अच्छी वर्क करती है भाई, सिमेट्री पे पूरा ध्यान रखना। हाँ सिमेट्री बहुत काम आती है सेंटर ऑफ मास में। चलो और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। चलो ये दो रॉड्स हैं, चलो बोथ दी रॉड्स ऑफ मास m लेंथ l, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजन, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजन। सवाल ढंग से सुन लेना मैंने क्या पूछा है, बाद में मैं बोलना। Find the distance of center of mass from origin. Both the rods are of mass m length l. Distance of center of mass from the origin. L/2, 0, ठीक है, इसका L/2 cos theta, कॉमा L/2 sin theta। अच्छा फिर XCM निकाला और YCM निकाला, फिर अंडर रूट XCM स्क्वायर प्लस, ये करा है कितनों ने, ये करा है शर्म नहीं ये करते हुए। अबे इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, कंबाइंड वाला कहां आएगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर, और यहां से क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट ही तो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। 516 आ रहा है तेरा कुछ, तो वापिस बोला आंसर क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या सवाल पूछा है, डिस्टेंस। हाँ भाई ये नहीं होगा क्या, अब कौन सी लेंथ निकालनी बाकी रह गई, क्या पूछा है, डिस्टेंस तो पूछा है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है बेटा, कितनी आएगी ये लेंथ, ये वाला एंगल थीटा है, ये कितना हो गया θ/2, ये लेंथ कितनी है l/2, तो कितनी बन गई ये लेंथ l/2 cos θ/2। आंसर क्या है, जितनी भी अलग अलग फॉर्म के आंसर आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कर लेना l/2। 11th को तो खैर मैं वो वाला तरीका भी पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, पर 13th में मुझे लगता है कि मैं रूट वूट करके आंसर निकाल के बताऊँ। क्या हो गया, ठीक तो है, खत्म। अरे यार कॉमन सेंस भूल करके जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा भाई,
अब सोच लो जिसने ये लगाया उसके तो बच गए पूरे 5 मिनट, बाकी तुम लगाओ आराम से टाइम वेस्ट, क्या दिक्कत है। और ये चीजें तो सिर्फ ये चीजें कैसे सीख सकते हो यार, तुम्हें लगता है ये सब चीजें कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस, बस खत्म। कॉमन सेंस से प्रैक्टिस ही बढ़ेगा, एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं भाई। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, और क्या, अभी दिख रही है सिमेट्री, हाँ यार ये सेंट्रोमास, ये सेंट्रोमास, सेंट्रोमास कहाँ आने वाला है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है, इनको किस में डिवाइड करेगा, इक्वल रेशियो में, तो यहाँ से क्या डाल दी, परपेंडिकुलर बाय सेंटर, खत्म हो गया काम हमारा, ठीक है भाई। अब ये सब चीजें तो एक्सपीरियंस ही सीखने में आएगी, इसका कोई वो तो है नहीं। पर ये सवाल कर लो क्या रॉड वाले कैसे भी आ जाए, 2-3 रॉड लगा दें, अच्छा वो बोले 3 यूनिफॉर्म रॉड्स फॉर्मिंग व्हाट, अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहाँ आएगा सेंट्रोमास, सेंट्रोइड। कोई चाहे तो फिर से वही कर ले भले कि भाई तीनों रॉड्स की क्या निकाले, सेंटर सेंटर निकाले, फिर वहां लग दिया, पर ना तो सीधे सीधे क्या कर दो, सेंट्रोइड निकाल। हाँ मासेस अलग अलग होते, M2 M3 M, तो क्या करते कराने, क्या कर लोगे पक्का? फ्रॉड पे बेस आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। बड़े आगे कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं थोड़े, ठीक है भाई। मैंने सवाल ही तो पूछा था, क्या बताना है मुझे सिर्फ डिस्टेंस। अच्छा मान लो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लेता, तो कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, कोऑर्डिनेट्स क्या आते भाई, एक्स के बराबर क्या, जो डिस्टेंस आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या आते, एल बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये तो डिस्टेंस हो गया। इसका कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो ये चीज होती है हमारे पास डी, और मुझे इसका क्या चाहिए होता, ये वाला कंपोनेंट चाहिए होता, तो क्या आता, एक और कॉस आ जाता भाई, खत्म। ये क्या आता, कॉस स्क्वायर, और वाई सी एम क्या आता, एल बाय टू कॉस थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू, खत्म। ये एक्सीएम आईसीएम आता, तुम देख लो अगर एक्सीएम आईसीएम निकाल रहे हो तो आंसर ये आने चाहिए तुम्हारे पास। इसके अलावा कुछ और, हाँ कॉस थीटा प्लस वन की फॉर्म में आ रहा है तो कन्वर्ट कर लेना, तो ये चेक करना आना चाहिए हमें। अगर कोऑर्डिनेट्स भी पूछेगा तो भी मेरे लिए आसान है ना सारा तरीका, यही तो कर रहा हूँ मैं। कोई ये पार्टिकल डी डिस्टेंस पर अगर रखा है और ये एंगल थीटा बाय टू है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, सपोज ये एंगल कुछ अल्फा मान लूं, डी डिस्टेंस है, एंगल अल्फा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, डी कॉस अल्फा एंड डी साइन अल्फा, आता है ना, इधर वेक्टर इधर, और क्या डी वेक्टर बराबर इधर लिखोगे डी कॉस अल्फा आई कैप प्लस डी साइन अल्फा जे कैप, वेक्टर कर लो, कोऑर्डिनेट्स कर लो, जैसे मर्जी मान लो, उसको क्या फर्क पड़ता, बढ़िया आगे, ठीक है। चलो ये तो था हमारे पास स्पेशली किसके लिए, रॉड्स के लिए, और अलग बॉडीज आती हैं कई सारी हमारे पास। चलो एक कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं थोड़ा, सारे कॉम्प्लेक्स डिराइव क्लास में नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। एक जमाना था आईटी सब्जेक्टिव पेपर आते थे तब हमसे डेरिवेशंस पूछे जाते थे, अब डेरिवेशन पूछेगा नहीं, अब तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखने, उनका यूज करना आना चाहिए, वो जरूरी है। चलो देखो जरा एक इसका और निकाल के देखते हैं। चलो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, फाइंड सेंटर ऑफ मास, एंगल अल्फा कर देता हूं, सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर, रेडियस आर ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है मुझे सर्कुलर आर्क का। अच्छा ये तो कुछ कॉमन फिगर्स हैं हमारे पास, मान लो कि वो मुझसे एक रिंग का सेंटर ऑफ मास पूछे, कहां आएगा भाई रिंग का सेंटर पर, हमेशा यूनिफॉर्म, मान लो ऊपर की कॉपर की है, नीचे की लेड की है, कहां था, नीचे साइड आ जाता है, सेंटर है तो रिंग का सेंटर पर। अच्छा क्या सेंटर ऑफ मास की जगह पर कोई मास होना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, इतना एग्जांपल देख लिया अब तक हमने, डिस्क हो जाती तो कहां जाता, डिस्क का उसके सेंटर पर आता, कैसी डिस्क, यूनिफॉर्म रिंग एंड डिस्क, ठीक है ना। चलो खैर अभी हमसे उसने क्या पूछा, सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास पूछा है, कैसे अप्रोच करोगे इस तरह के सवाल को। देखो एक तो एलिमेंट्स मान ले, दूसरा एक बात तो पक्की है कि वो सेंटर मास किस लाइन पर आएगा, बीच में, बिल्कुल, तो एक्सीएम पर तो आएगा ये सेंटर मास जो है, ये इस लाइन पर तो आएगा, तो अगर मैं इसको जीरो मान लू तो एक्सीएम तो क्या हो गया, जीरो। अच्छा मान लो कि यही चीज यूं टिल्ट हो जाती, ऐसे हो जाता तो ठीक है भाई, सेंटर मास यहां तो आना ही है,
इस लाइन पर आना तो पक्का ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, आएगा तो इसी लाइन पर, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस आएगी तो क्या निकाल लेंगे हम उसके कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई। तो ये तो एक चीज है ही, इसमें तो भी फर्क पड़ेगा ना, ये वाली चीज तो कहाँ आने वाली है, इसी लाइन पर आने वाली है। अब यानी कि एक्सीएम हमें पता है, क्या निकालना है हमें इसका, वाई सी। चीज कहाँ वेरी हो रही है, वाई सी में तो वेरी हो रही है, कैसे करें। चलो एलिमेंट्स किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, कैसे एलिमेंट्स ले सकते हो, क्या सर्कुलर डी थीटा एंगल के डीएम डीएम लेने पड़ेंगे और क्या लेने पड़ेंगे भाई, मास है कहाँ सारा का सारा, ये भी तो रॉड की तरह ही है तो? तो क्या मानते हैं हमने, ऐसा माना कि चलो एक बड़ा डायग्राम यहाँ हटा दूं सब, ये सिमेट्री नजर आ गई ना भाई, मान लो टिल्टेड होता तो इस लाइन पर निकाल लेते भाई, इसको हमने क्या मान लिया, एक तरह से इस वाली चीज को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो एक्सीएम तो जीरो हो गया परमानेंटली, क्या दिक्कत है यार ना। और ये लेंथ एक बार आ गई तो हर बार कैसी भी रिंग दे दे अपने आप ही आ जाया करेगा। चलो देखो जरा कैसे करेंगे अब, सपोज ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया था डायग्राम, क्या मानता हूं मैं, यहां पर मैंने एक डीएम मास माना, इस डीएम को मैंने यहां से किसी एंगल थीटा पर माना, और इस डीएम की थिकनेस कितनी मान ली, कुछ डी थीटा, ठीक है भाई। इस डीएम की थिकनेस कितनी मान ली, डी थीटा। तो इस डीएम को एक्चुअली तुम कैसे लिख सकते हो, डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू डीएल, और वो डीएल कितना हो गया, आर डी थीटा, तो डीएम विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास, एम अपॉन आर थीटा। लैम्डा कितना लिखोगे इसके लिए, लैम्डा लिख दोगे टोटल मास एम अपॉन आर थी आर अल्फा, यही तो आएगा लैम्डा हमारे पास। चलो एक मिनट छोड़ देते हैं, अभी तो हम इसमें बात कर लेते हैं। तो लैम्डा आर डी थीटा, या लैम्डा की जगह हमने लिख दिया एम अपॉन अल्फा, तो क्या बच गया हमारे पास, एम अपॉन अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। ये हमने डीएम माना हुआ है यहां पर, ये वाला पोर्शन, कोई दिक्कत। ये लेंथ क्या होगी हमारे पास, ये आर है, एक्सीएम जीरो आ ही चुका है, मुझे तो क्या निकालना है इसका, वाईसीएम। अच्छा वाईसीएम क्या बनेगा इस डीएम का, YCM क्या लिखूं इसका भाई, ये y एक्सिस है तो इस DM के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है, इस DM का y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, ये लाइन है ना हमारे पास भाई, ये लेंथ तो x है, ये x एक्सिस माना हुआ है, और ये वाला एक्सिस क्या माना हुआ है हमने, y। इस पार्टिकल के लिए ये लेंथ कितनी हो गई, आर, ये थीटा एंगल, तो ये भी कितना एंगल थीटा, कितना हो गया ये लेंथ, आर कॉस थीटा। तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूं तो इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले मेरे पास, ये वाली चीज आर साइन थीटा कॉमा आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब वाईसीएम चाहिए मुझे तो वाईसीएम क्या लिख दूंगा मैं, YCM क्या बना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो क्या बन गया, M। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जब लिखोगे Y तो क्या लिखोगे, डी एम की जगह आ गया हमारे पास M by alpha into d theta, Y की जगह क्या आएगा R cos theta। क्यों करना पड़ा हमें ऐसे, क्योंकि अल्टीमेट सब कुछ मुझे थीटा की फॉर्म में तो लाना ही है ना, मुझे तो थीटा की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो। और हमेशा जानने को जब भी सर्कुलर चीजें हैं ना, वेरिएशन कैसे लो थीटा के साथ, ये चीजें वही वाली बात है एक्सपीरियंस से। ये सेम क्वेश्चन बताया तुम्हारे पास आएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, क्या मान लोगे भाई, डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज की वजह से क्या आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर देंगे हम, दो ये और ये वाला, ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऑब्वियस है ना, चलो मैं खुद भी पढ़ता था, 11th में एक बार पढ़ा, 12th में एक बार और पढ़ा, तब जाके अब खैर अब तो पढ़ा रहे हैं, एक अलग बात होगी,
बट अगर मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हारी जगह रखे हुए देखूं तो ये भी तो एक एडवांटेज था भाई, इलेवेंथ में हमने पहले पढ़ा, फिर ट्वेल्थ में पढ़ा, तुम पहली बार देख रहे हो सिर्फ, और सारी चीजें तुम छह महीने के अंदर मेरी पढ़ने वाले हो। ये सारे तरह के एग्जाम्पल तो थोड़े टफ लगते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन लगते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो फिर भी आ जाएंगे, और नहीं भी करो तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। एम बाई अल्फा डी थीटा आर कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ गया एम, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू भाई। अरे थीटा यहां से यहां पूरा वेरी कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो थीटा कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाय टू टू प्लस अल्फा बाय टू, क्या लिमिट क्या रहे आंसर हमारे पास, आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा या माइनस प्लस साइन थीटा भाई, क्या आ गया हमारे पास एम एम कैंसिल, ठीक है ना, आर बाई अल्फा साइन थीटा, आर बाई अल्फा ही तो आया, हाँ आर बाई अल्फा साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई टू टू अल्फा बाई टू, क्या आएगा आंसर, साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, टू आर बाई अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, खत्म। क्या मिल गया मुझे इसका, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां रहा है, ये चीज हमारे पास क्या आ रही है, वाई सी है, यही तो है रिंग का सेंटर ऑफ मास, क्या बताओ, तू सोच ले खुद से एक बार, सोच ले पहले फिर पूछ ले, क्या अप्लाई तो कर ले एक बार दिमाग, जीरो से अल्फा बाई टू में, अच्छा थीटा कहां से नाप रहा हूं मैं, यहां से, जीरो से अल्फा बाई टू में कितनी रिंग कवर हो रही है, इतनी इतनी तो आएगी, मैं कहां से ले रहा हूं रिंग, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई टू से, जरूर ये सब ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये तो अभी तो फिर भी आसान है भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक अगर मान लो सिर्फ इतना पोर्शन होता, मान लो सिर्फ इतना होता, तो एक्चुअली तुम लेते भी कैसे फिर, तो x और y, x भी वो लेते और y भी, इस तरह से लेते, नहीं लेते उसका, ठीक है भाई, दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन जो कि हम करने वाले हैं, किसी का बहुत मन करता हो तो एच सी वर्मा खोल ले, अपनी शीट खोल ले, उसके अंदर देख लेना, क्योंकि मुझे बाकी डेरिवेशन कराने का कोई यूजफुलनेस नहीं लगती, कोई यूजफुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत है बाकी सारे डेरिवेशन की करवाएंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंस डाउन करोगे यार इतना डिफिकल्ट है, ड्रॉपर के साथ यही होता है, इलेवन में सारे डेरिवेशन कराता हूँ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप रिजल्ट ध्यान रखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं बिल्कुल, रिंग और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और ये ध्यान भी रखने, ध्यान ही रखना फायदेमंद है, बहुत कम चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ फिजिक्स में याद करनी है, क्या हुआ बोल, क्या इसको थीटा माना, हाँ तो क्या मानू, अरे डी थीटा तो क्या होता है, बहुत ही छोटा चेंज होता है भाई, डी थीटा तो बहुत ही छोटा चेंज है, तो ये थीटा है तो ये भी लगभग कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा और क्या, तभी तो कर पाएंगे, देखो जरा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, पहला यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ऑल फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज, हाँ इनको यूज कैसे कर रहे हैं उस पर हम एग्जाम्पल जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो एनवी से हमारी लेने वाली है वहां पर रिजल्ट ही काम आने वाले हैं, क्योंकि वो तुम्हें पैरेलेक्सिस थ्योरम बताएंगे, पैरेलेक्सिस थ्योरम के अंदर आ जाएगा ICM plus MD square, जहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटर मास का डिस्टेंस, पहला तो है हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ये चीज हाँ भाई, इसमें और इसमें आंसर मैच करा सकते हो क्या, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अल्फा कितना हो गया, पाई, साइन पाई बाय टू कितना, वन, और क्या आंसर नीचे कितना आ गया, पाई, क्या आंसर आता है इसके लिए, इस वाली लाइन से आंसर आता है टू आर बाय पाई, सिर्फ
सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन रिंग है भाई, ये डॉटेड लाइन है सिर्फ और कुछ नहीं, जो कि उसका बेस शो कर रही है। सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। सेकंड है सेमी सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क हो गई सेमी सर्कुलर। बस याद रखो रिजल्ट, सब जरूरत है सारे डिराइव करने की, और बाकी होती तो अपने आप कराया था, पर सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई YCM, YCM कितना 4R/3π, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में भी काम नहीं आते, जरूरत नहीं पड़ती कोई, बस ये रिजल्ट ध्यान रखो। रिंग का 2R/π, सेमीसर्कुलर का कितना 4R/3π, क्योंकि मोस्टली अगली नहीं तो उससे अगली क्लास में तुम्हारे काम आने वाला है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान होता है, इसके अबाउट कॉम्प्लेक्स है, पूछेंगे इसके अबाउट क्या पता होनी चाहिए हमें, ये डिस्टेंस, बस ये काम आने वाला है। नेक्स्ट क्लास कल से पहले एक बार रिवाइज कर जाना। चलो ये रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ये हटा दूँ सब, इधर वाला पोर्शन ये हटा दूँगा, ये वाला इंटीग्रेशन डेरिवेशन देखनी हो किसी को तो एच और में देख सकता है, शीट देख सकता है, प्रूफ चाहिए, डाउट्स आए तो पूछ लेना करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हॉलो हेमिस्फेयर, यूज कैसे करेंगे इनका वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ तुम्हें। हॉलो हेमिस्फेयर का आएगा R/2 पर, सॉलिड हेमिस्फेयर अच्छा हॉलो, इस हॉलो पूरा स्फीयर तो कहां था, सेंटर पर, सेंटर पर ही आता भाई, पर तुम उससे डिराइव नहीं कर सकते R/2 आंसर। बस ये तुम्हारा है, सॉलिड का आता है, हाँ भाई कितने पर आता है 3R/8 पर, क्या कभी करी नहीं गए ये सब याद, अब कर लो भाई। हॉलो कोन स्टैंडर्ड रिजल्ट है बिल्कुल, ध्यान रहने चाहिए। तो ये लास्ट टाइम सीरीज में सवाल भी आ गया था, ये जेई मेन के अंदर सीधा सवाल आया था, और किसी के बस की नहीं, मतलब अच्छे बच्चे जिसको आते हैं वो कर लेंगे डिराइव, बाकी तो सबको ध्यान ही रखना पड़ता है। क्या आता है हॉलो कोन का H/3, H क्या चीज है इसकी हाइट, देन वी हैव सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का आता है नीचे से H/4 पर, और ये और ध्यान रखना भाई रिजल्ट कहां से लिख रहे हो, ऊपर से H/4 मत लिख कर आ जाना, हाँ ऊपर से 3H/4 है सर, आपने तो H/4 लिखाया था, बस लिखा हुआ था सेंटर ऑफ मास बेस से या फिर वर्टेक्स से, बस सारे देख लो मैंने बेस से लिखे सारे सेंटर ऑफ मास, 3R/8, R/2, 2R/5, 4R/3π, काम दे दूं आज या कुछ काम पेंडिंग है तुम्हारे पास, दे दूं या एक दिन और चाहिए थोड़ा पिछले काम, तो बात नहीं ठीक है, ठीक है वैसे भी हमने सेंटर मास में काफी टाइम बचा ही लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं डेरिवेशन इसके चाहो तो HCV और उनमें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को बाकी सीखने हो तो मुझसे अलग से आके मिल लेना, अगर देख लोगे HCV के अंदर तो एक आधो डाउट बचेगा आगे बाहर के पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डेरिवेशन वास्तव में कहीं काम आने भी नहीं वाले, बस सही बात ये है। हाँ कुछ हिंट जरूर दे सकता हूँ मैं, जैसे तुम्हें रिंग का पता कर गया, रिंग का आ गया डिराइव ले रिंग का, अच्छा मुझे डिस्क का निकालना है, कैसे निकालूं डिस्क में मैं एलिमेंट्स क्या मानूं, मुझे तो ये बता दो, कोई अगर करना चाहे बिल्कुल, तो इसमें एलिमेंट्स क्या लूंगा मैं, एलिमेंट्स लूंगा मैं रिंग्स, बिल्कुल इसके लिए एलिमेंट्स क्या बन जाएंगी, रिंग्स बन जाएंगी, कर सकते हो रिंग्स, यही तो बनेगी सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर स्ट्रिप्स, हाँ वही तो रिंग्स ऑफ विड्थ dx, क्योंकि एक रिंग का तुम्हें पता है क्या मानोगे, x डिस्टेंस पर एक रिंग मानोगे उसका तुम्हें पता है, हर रिंग के सेंटर मास क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, देख लेना भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है बस खत्म, सच्ची में देख लेना, मैं तो हिंट देके छोड़ रहा हूँ, इसके अंदर कैसे करोगे, इसमें भी एक्चुअली इस तरह की रिंग्स मानोगे,
इस तरह की रिंग्स मान सकते हो। अच्छा अब ये आ गया तो इसका कैसे मानोगे, इसको क्या मान लोगे, बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर्स। अच्छा ठीक है जी, नहीं यहाँ कॉम्प्लेक्स आया था छोड़ दो। हाँ वही है तो भी रिंग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिंग मान के हो जाएगा यहाँ पर भी। पर यहाँ पर भी तुम्हें डिस्क माननी पड़ेगी, हॉलो कोन को सॉलिड कोन में मानोगे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर रिंग्स मानोगे, यहाँ पर क्या मानोगे, डिस्क। सॉलिड को काटोगे तो क्या मिलेंगे हमें, डिस्क मिलेंगी। बस का जरूरत नहीं है, एक भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, होता तो अपने आप बता दें। और सब तू देख लेना, बता देना सोर्स तेरे को सारे। तो आज काम नहीं दूं, तो नेक्स्ट टर्म पर डिस्कशन जरा देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टर्म पर हमारे पास, हाँ बेटा कौन सिलेंडर, कौन बोला बहुत डिफिकल्ट है सिलेंडर, नहीं कौन तुम पूछ रहे सिलेंडर कौन बोला। हाँ सिलेंडर तो आउट ऑफ कोर्स है यार, बहुत डिफिकल्ट होता है सिलेंडर। हाँ सिलेंडर बाकी डिफिकल्ट है ना यार, कितना डिफिकल्ट है बोलो, मतलब अभी कहाँ आएगा सिलेंडर का, एच बाई टू पर आएगा और क्या आएगा। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर दे दे, सिलेंडर को तो सीधे क्या मान लो, एक रॉड मान लो बस खत्म। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सीखना पड़ता है, यहाँ जरूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कल एनवी सर बताएंगे सिलेंडर का। चलो होमवर्क के अंदर तो तुम कर सकते हो, हाँ वर्क पावर एनर्जी का बताया था बस खत्म। एचसीवी कंप्लीट है, डिस्कशन बताना जो जो पेंडिंग है। एचसीवी हुई है, बची है बाकी है, तो ठीक है एचसीवी का कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। डब्ल्यू पी डिस्कशन एंड होमवर्क है बस खत्म। और फिर हमारे पास क्या बच रहा है, वर्क पावर एनर्जी की शीट, शीट में से क्या बच रहा है, पूरा बच रहा है अभी तक। तो अप टू एक्सरसाइज 3 लेवल 1 तक का कर दो पूरा, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 तक का पूरा कर लो काम। और एक्सरसाइज 4 लेवल 1 तो हो ही चुका था, लेवल 2 बचा हुआ है, वो इसके बाद फिर देख लेना।